हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो हम आज बना रहे हैं हैदराबादी स्पेशल चिकन हरीस। और इसमें पहले हमने चिकन ले लिया है 1 kg और इसके अंदर हम दही ऐड कर रहे हैं 1 से और 2 पैकेट्स। हाँ तो हम इसमें डालेंगे 1 स्पून रेड चिली और इतने साइज में हल्दी डालेंगे इसके अंदर और 1 टीस्पून अपन डालेंगे इसके अंदर अदरक लहसुन और ये है गरम मसाला। इसमें ले लेंगे इतना गरम मसाला और नींबू अपने टेस्ट के हिसाब से। और इसमें 1/2 टीस्पून से धनिया पाउडर डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। और ये पूरा जितना भी मसाला है इसको हम पूरा एक कर देंगे और हम इसको मिक्स वेल कर चुके हैं। अब इसको हम 1 आवर रख देंगे। इसमें डालेंगे तेल, कुकर को अच्छा गर्म कर चुका है, हो चुका है, तेल गर्म हो चुका है। इसके अंदर गर्म मसाला ऐड करेंगे, दालचीनी, इलायची, लौंग, दालचीनी और शाहजीरा, काली मिर्च और कबाब चीनी। इसके अंदर पूरे ऐड कर देंगे गरम मसाले। ये कटी हुई प्याज है इसके अंदर ऐड करेंगे और ये आधी से बढ़ के डाल देंगे और आधे तले में ऐड करेंगे। और हम इसमें लेंगे मूंग दाल, मसूर दाल और डॉक्टर रवा इसमें ऐड करेंगे। ये 1/2 kg ले लूँगी मैं और ये कप के हिसाब से 1 कप इसमें दाल और मूंग दाल मसूर दाल भिगा के गला चुकी थी मैं पहले ही ऑलरेडी और ग्राइंड कर चुकी हूँ मैं इसमें। ये देखिए हो चुका है और ये डॉक्टर रवा दलिया मैंने भिगाने रख दिया है और 1 घंटा हो चुका है। तो ये 1 घंटा हो चुका था, इसको रख के हम इसमें प्याज में ऐड कर देंगे इसको गलाने के लिए। और इसमें इसमें ऐड करूँगी मैं हरी मिर्च, कोथमीर और पुदीना। इस तरह मैं डाल दूँगी इसमें, टेस्ट अच्छा आएगा। और इसमें डाल देंगे इसके बाद सीटी लगाने के बाद गोश्त। और हमने चिकन को अच्छे से मैश कर लिया है और इसमें और वो जो इसमें ऐड कर रही हूँ मैं डॉक्टर रवा इसी तरह ऐड कर। और हमने इसमें मैश करा हुआ चिकन डाल दिया है और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि एक कलर में ना आ जाए। सो गाइस ये पूरी तरीके से हो चुका है। अब इसमें प्याज ऐड करें, ऑलरेडी पहले तल लिया था हमने ये